Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I am going to share about shellfish breeding and hatchery management part 2. Today we will see about shrimp hatchery. Guys, this topic is very important for your ICR fisheries PG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. You can also follow me on Instagram. There I upload some notes related to these videos. So let's start the video. First we will see about the modern shrimp hatchery. So brood stock should be reared and mature, uh, maturation is uh, take place in the hatchery. So for the breeding or for brooder stock, we need male of 200 mm length and 65 gram of weight. which should be six to eight month old. सो मेल आर मेल ब्रूडर शुड बी सिक्स टू एट मंथ्स ओल्ड होना चाहिए देन द फीमेल ऑफ टू फोर्टी एम एम लेंथ एंड नाइंटी टू वन फिफ्टी ग्राम ऑफ वेट शुड बी नाइन टू ट्वेल्व मंथ ओल्ड ब्रीडर और ब्रूडर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ बैग कंटेन्स फोर्टी टू फिफ्टी लीटर ऑफ सी वाटर एट द रेट ऑफ़ फोर टू सिक्स नंबर पर बैग सो द बैग शुड कंटेन फोर्टी टू फिफ्टी लीटर ऑफ़ सी वाटर सो जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा सी वाटर में हमें करना होता है और हमारा सिर्फ चार से छः नंबर ऑफ श्रिम्प हमारे पर बैग में होते हैं देन द ब्रीडर इज़ ट्रीटेड विद हंड्रेड पी पी एम ऑफ फार्मोलिन फॉर अबाउट हाफ एन आवर फॉर डिस इन्फेक्शन सो फॉर डिस इन्फेक्शन मीन्स कि जो भी हमारे कोई डिसीजेज जो अगर हमारे श्रिम्फ में प्रेजेंट है ब्रूडर्स में प्रेजेंट हैं उनको ट्रीट करने के लिए हंड्रेड पी पी एम फार्मोलिन का यूज़ होता है मैचूरेशन टैंक शुड बी इन सर्कुलर विच शुड हैज फोर मीटर इन डाया एंड 1.25 मीटर इन हाइट मेड अप ऑफ ब्लैक फ़ाइबर ग्लास शीट शुड बी मेड अप ऑफ ब्लैक फ़ाइबर ग्लास शीट सो हमारे जो टैंक है मैचूरेशन टैंक जिनमें हम रूटर्स को रखेंगे वो सर्कुलर होने चाहिए उनकी जो डाया है वो 4 मीटर होना चाहिए और जो उनकी हाइट है 1.25 मीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और ब्लैक फ़ाइबर ग्लास शीट के बने होने चाहिए मैचूरेशन टैंक वाटर लेवल शुड बी कैप्ड अबाउट टू सेंटीमीटर हाइट कॉन्टेंट वाटर फ्लो शुड बी देयर एट द रेट ऑफ टेन लीटर पर मिनट टेन लीटर पर मिनट का हमारा वाटर फ्लो कॉन्स्टेंट रूप से चालू रहना चाहिए वहाँ पे सेलिनिटी रेंजेस बिटवीन थर्टी टू थर्टी सिक्स पीपीटी फॉर आइडल ब्रू टो स्टॉक मेंटेनेंस सो आइडल ब्रू टो स्टॉक मेंटेनेंस के लिए हमारी श्रम के लिए कितना होना चाहिए हमारा सेलिनिटी थर्टी टू थर्टी सिक्स पीपीटी सो आर पीनियस मोनोडॉन स्पीसीज कैन मेच्योर एंड स्पॉर्न एट लोअर सेलिनिटी ऑल्सो विच शुड बी फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पी सो पीनियस मोनोडॉन जो हमारी स्पीसीज हैं वो हमारी फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पी पी भी स्पॉन और मेच्योरेशन हो सकती है उनकी फुल सी वाटर रिक्वायर्ड फॉर इंक्यूबेशन एंड हैचिंग सो हमारी मेच्योरेशन एंड स्पॉनिंग तो हमारी फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पर हो जाएगी लेकिन सी वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द इनक्यूबेशन एंड हैचिंग पीरियड के लिए द टेम्परेचर शुड भी मेन्टेन अबाउट ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी वन डिग्री सेल्सियस पी एच नॉट लेस दैन सेवन पॉइंट थ्री सो पी एच शुड नॉट बी लेस देन सेवन पॉइंट थ्री आइडल रेंज शुड बी एट टू एट पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट वी विल सी द रिडक्शन द रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू टेन टू फोर्टी परसेंट नेचुरल डे लाइट अबाउट हंड्रेड लक्स इज रिक्वायर्ड हंड्रेड लक्स हमारी लाइट रिक्वायर्ड होती है फोटो पीरॉडिक डिजाइम कैन बी ऑफ ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व आर लाइट एंड ट्वेल्व आर डार्क इट मीन्स कि हमारा जो श्रम्फ है उसे रिक्वायर्ड होता है ट्वेल्व आर लाइट और ट्वेल्व आर डार्कनेस मीट ऑफ स्क्वेड मूजल क्लेम आर फाउंड मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रूड स्टॉक फीडिंग सो जो हमारे मीट है मूजल स्क्वेड और क्लेम के वो फाउंड वो हमारे सुटेबल होते हैं फॉर द्रूड स्टॉक फीडिंग शुड एंड इट शुड भी गिवन एट द रेट ऑफ टू फिफ्टीन पर बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ बॉडी वेट देते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रोटीन एट द रेट ऑफ टू परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट इज गिवन टू द्रूड स्टॉक ऑफ श्रिम नेक्स्ट फीलिंग कैन बी फोर टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं स्ट्रेस ड्यू टू ऑक्रेंस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग कैन बी अवॉयडेड बाई डिस्ट्रिक्टिंग द स्टॉकिंग डेंसिटी एट द रेट ऑफ फोर श्रम्फ पर मीटर स्क्वायर मेल एंड फीमेल रेशियो शुड भी वन रेशियो वन और वन रेशियो टू रखना चाहिए अगर हमारा ओवर क्राउडिंग हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा श्रम्फ है तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए स्टॉकिंग डेंसिटी को हमारा फोर श्रिम्फ पर मीटर स्क्वायर रखिए एंटीबायोटिक्लोरोकॉल क्लोरोफिनिकॉल एंड ऑक्सीटेक्ट्रोसाइक्लिन और इरेथोमाइसिन डोज ऑफ फोर पी पी एम कैन बी गिवन कॉन्जली फॉर थ्री डेज अगर हमारा एंटीबायोटिक हमें देने हैं तो कौन से देने चाहिए क्लोरोफोमिक सॉरी ऑक्सीटेट्रोसाइक्लिन एंड इरेथोमाइसिन एंड क्लोरोफिनिकॉल क्लोरोफिनोफिनिकॉल ऑक्सीटेक्ट्रोसाइक्लिन एंड इरेथमाइसिन आर द एंटीबायोटिक विच शुड बी गिवन फॉर कॉन्जिव ऑफ थ्री डेज एट द रेट ऑफ फोर पी पी एम to prevent देंस ऑफ प्रोटोजोन्स एंड फंगस फिफ्टी पी पी एम फॉर्मोलिन एडेड वाटर फॉर टू आवर्स सो फिफ्टी कि हमने डिसइंफेक्शन के लिए पहले भी उनको दे चुके हैं अगर वहाँ पे प्रोटोजोन या फंगस दिखती है तो उसके लिए फिर से हम 50 पी पी एम फॉर्मोलिन का यूज़ कर सकते हैं वाटर में फॉर्डी टू आवर्स ठीक है मैनपोज ऑब्जर्व रिमूवल ऑफ आयो स्टॉक ऑफ श्रिम पेलेमोन सिरेटस लीड टू ओवरी डेवलपमेंट सो रिमूवल ऑफ आई स्टॉक एज आईव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियो कि हम जब रिमूवल ऑफ आई स्टॉक करते हैं तो हमारा जो ओवरियन डेवलपमेंट है या फिर जो हमारा स्पॉनिंग जो हारमोन होते हैं वो रिलीज होते हैं सो आई स्टॉक को एबलेट करके हम ये ओवरियन डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं उनका यूनीटरल आई स्टॉक एबलेन रिकमेंडेड एज बाईलेट्रल एबेशन गिव एडवर्स इफेक्ट्स सो यूनीटरल हम एबलेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू बाटर एज इट गिवस एडवर्स इफेक्ट्स एक्स ऑर्गेन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसिस न्यूरो हारमोन्स रेगुलेट्स विच रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ओवरी एंड मोल्ट इनहिबिटिंग हारमोन्स सो एक्स ऑर्गेन सो हमारे जो आई स्टॉक होते हैं वहाँ पर हमारा एक्स ऑर्गेन प्रजेंट होता है जिसे हम रिमूव करके हमारा ओवरियन डेवलपमेंट होता है सो एक्स ऑर्गेन में क्या होता है एक्स ऑर्गेन जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ओवरियन मोल्ट इनहिबिटिंग इनहिबिशन में सो so, इस हारमोन को हम रिमूव करके हमारा ओवरियन डेवलपमेंट और मोल्टिंग हमारी होती है एक्स ऑर्गेन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ पिगमेंट इन क्रोमोटोपोर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल एंड प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटिंग हारमोन मैं फॉर इनहिबिटिंग द सिक्रिएशन ऑफ मोल्टिंग हारमोन बाई एफऑर्गेन एंड एफेक्टिंग वाटर रेगुलेशन ड्यूरिंग एक् एक्डाइसिस सो एक्डाइसिस क्या होती है ये प्रोसेस होती है हमारी मोल्टिंग की ठीक है सो एक्स ऑर्गेन हमारा जैसे कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यह हमारा इनबिटिंग हार्मोन होता है सो so इनहेबिट करता है मोल्टिंग को जो कि होती है एक्स बाय ऑर्गेन के थ्रू इंक्लूडिंग हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड टू कॉम्बेट स्ट्रेस रेगुलेट स्ट्रेस रेगुलेटिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन हिपैटोपेक्रिया सो ये भी हमारा हाइपरग्लाइसीमिया को भी हमारा डाउन करता है जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस और अदर लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है इन द पेनक्रियाटिको पेनक्रियाज नेक्स्ट इलेक्ट्रोकैटराइजेशन फॉर रिमूविंग आई स्टॉक यूजिंग कैटरी एपरेटर्स सो कैटराइजेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ आई स्टॉक होता है यूजिंग अ इलेक्ट्रोकैट्रिक एपरेटर्स इन सीजन क्या होता है पिंचिंग पिंचिंग और इनसेशन मेड ऑन द आई बॉल विद so, द शार्प ब्लेड स्क्विज कंटेंट ऑफ आई स्टॉक आउटवर्ड एंड होल्डिंग बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर क्रश द आई स्टॉक टू टू थ्री टाइम्स टू डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉय द आई स्टॉक सो इन सीजन क्या होता है हमारा पिंचिंग होती है थ्रू द शार्प ब्लेड उससे क्या करते हैं आई बॉल को निकाल देते हैं टू टू थ्री टाइम हार्डली उसे आ, वो करते हैं डिस्ट्रॉय करने की दो से तीन बार में वो पूरी तरह से आई स्टॉक जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर आई स्टॉक एबुलेशन फीमेल बिकम ग्रेविड एंड थ्री डेज आफ्टर आई स्टॉक एबुलेशन सो थ्री आफ्टर थ्री डेज ऑफ आई स्टॉक एबुलेशन द फीमेल बिकम ग्रेविड ग्रेविड मीन्स कि वो ओवलेशन के लिए रेडी हो जाती है यानी कि ग्रेविड फीमेल इज डिब्ड इन फिफ्टी पी पी एम फॉर्मलिन फॉर फाइव मिनट सो ग्रेविड एंड बरीड होते हैं बरीड फीमेल एंड ग्रैविड फीमेल सो ग्रेविड फीमेल क्या होती है ओवल्यूशन के लिए तैयार हो जाती है जबकि ग्रेविड बरीड फीमेल क्या होती हैं वहाँ पे एक्स आपको दिखने लग जाते हैं फीमेल में तो, पूरी तरह से एक्स अपेयर होने लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वाली जो अपेरेंस होती है बरीड फीमेल की एंड ग्रेविड फीमेल ओवल्यूशन के लिए रेडी हो जाते हैं लेटेंसी uh, पीरियड क्या होता है इंटरवल बिटवीन आई स्टॉक एबलेशन एंड द स्पॉनिंग इज़ लेटेंसी पीरियड सो ये आपको पूछ सकते हैं लेटेंसी पीरियड कौन सा होता है तो इंटरवल बिटवीन द आई स्टॉक एबुलेशन एंड द स्पॉनिंग इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच स्टेज इन द मोल्ड साइकिल एज सोर्स ऑफ ब्रूड स्टॉक सो so, आपको पूछ सकते हैं लेटेंसी पीरियड किस पे डिपेंड करता है सो स्टेज इन द मोल्ड साइकिल एज एंड सोर्स ऑफ ब्रूड स्टॉक इट इज एडवाइजेबल टू डू द एबलेशन ड्यूरिंग इंटर मोल्ट स्टेज सो आपको पूछ सकते हैं कि एबलेशन कब करना चाहिए सो ड्यूरिंग द इंटर मोल्ट स्टेज वी हैव टू डू द आई स्टॉक एबलेशन एबलेशन ड्यूरिंग द प्री मोल्ट मोल्टिंग लेटेंसी पीरियड शेल बी लॉन्गर दैन टू टू फोर वीक्स सो लेटेंसी पीरियड अगर हम एबलेशन जो है प्री मोल्ट और मोल्टिंग के बाद करते हैं तो हमारा जो लेटेंसी पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग होता है टू टू फोर वीक्स हो जाता है एबलेशन पोस्ट मोल्ट लीज़ टू मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ हिमोलिम्फ एडेड स्ट्रेस ऑन फीमेल सो हिमोलिम्फ का लॉस होता है दैट्स वाई आफ्टर मोल्ट या पोस्ट मोल्ट हम नहीं करते हैं Sub adult stage of monodon takes longer time 40 days to mature and 69 days to spawn adult monodon collected from brackish water latency period is about 30 days whereas stock collected from offshore region of indian ocean had latency period of 4 to 5 days only ablated shrimp mature and spawn rapidly for 3 to 5 days times during the intermolt remain productive for 50 to 60 days नेक्स्ट इज स्पॉनिंग ऑकर यूजली इन नाइट सो स्पॉनिंग हमारी कब होती है श्रिम्स में नाइट टाइम पे एग कलेक्टेड थ्रू आउटलेट इन एन एग इनक्यूबेटर और पी वी सी पाइप एंड वाटर आउटलेट गार्डेड बाई हंड्रेड माइक्रॉन मेसनेट क्लोथ विल रिटेन द एग्स टोटल नंबर ऑफ एक्स हम कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ एक्स इन अ नोन वॉल्यूम अपॉन नोन वॉल्यूम इन टू टोटल नंबर ऑफ एक्स अनफर्टिलाइज एक्स कैसे होते हैं हमारे ओपैक ग्रीन कलर और डार्क ब्राउन स्फेयर कलर में होते हैं विद अनसिमेट्रिकल सेल डिवीजन विच इज टू टू थ्री बिग सेल्स इन और सेवरल स्मॉल सेल्स फर्टिलाइज एक्स कैसे होते हैं सिमेट्रिकल सेल डिवीजन होता है हैविंग रूडामेंट्री अपनेडेजेस एंड स्केल्स लैक ऑफ स्पोमेटोफोर थैलिकम मेन कॉज मेन कॉज ऑफ़ नॉन फर्टिलाइजेशन थलाइकम इज़ अ मेन कॉज ऑफ़ नॉन फर्टिलाइजेशन अ हेल्दी फीमेल टाइगर प्राउन वेइंग ऑफ सिक्सटी टू थर्ट वन थर्टी ग्राम ईल्ड्स वन टू सिक्स लैक कीप इन माइंड गाइज कितना हमारा ब्रीडिंग का वो होता है नंबर ऑफ एग्स कितने ले करती हैं uh, जो हमारी हेल्दी फीमेल टाइगर प्राउन होता है वन टू सिक्स लैख वन टू सिक्स लैख होता है एग पर स्पॉनिंग विद दिक्सटी परसेंट ऑफ बल एग्सिक्सटी परसेंट बाइबल एग मिलते हैं हमें एंड वन टू सिक्स लैख एग्स पर स्पॉनिंग होते हैं एंड सिक्सटी परसेंट उनकी बाइबलिटी होती है नेक्स्ट इज एबिलिटेड फीमेल नाइन्टी टू वन फिफ्टी ग्राम स्पॉन वन टू सिक्स फाइव लैक एग्स विद एवरेज ऑफ टू लैख एग्स पर स्पॉन सो so, एवरेज हमारा टू लैख एग्ज पर स्पॉन होता है अगर वो एबलेटेड फीमेल है नाइन्टी टू वन फिफ्टी ग्राम की तो वो वन से फाइव लैख एग्ज देती है विद एन एवरेज ऑफ टू लैक्स एग पर स्पॉन द इक्यूबेशन पीरियड इज एट टू टेन आर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एट टू टेन आर्स होती है स्पॉनिंग सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड एट अ डिज़ायर टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी एट टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस एंड सेलिनिटी ऑफ़ ट्वेंटी नाइन टू थर्टी फोर पी पी टी नाप्लियस हैच इज़ आउट फ्राम दी एग विदिन अ ट्वेल्व आर ट्वेल्व आर के अंदर अंदर वो हैच आउट हो जाते हैं तो हमारा जो इनक्यूबेशन पीरियड वो एट टू टेन आर होता है अगर ट्वेंटी एट टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है और ट्वेंटी नाइन टू थर्टी फोर पी पी टी हमारा सेलिनिटी है तो हमारे जो नोपलियस है जो फर्स्ट लार्वर स्टेज है प्रॉन की वो हैच आउट कर देती है इन विद इन अ ट्वेल्व आवर्स इट टेक्स थर्टी सिक्स आवर्स नोपलियस टू अंडर गो सिक्स मोल्स विच इज नोपलियस फर्स्ट टू नोपलियस फर्स्ट से उसे लगता है ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स आवर्स एंड देन वो चेंज होती है प्रोटोजोवा फर्स्ट में सो सिलेंड्रिकल और पैराबॉलिक शूट बी यूज फॉर रियरिंग ऑफ लारवी डिस इन्फेक्शन इज डन विदू हंड्रेड पीपीएम ऑफ क्लोरिन वॉटर फॉर एट टू टेन आवर्स prophylactic treatment with uh, with fungicides and antibiotic is given for 1 hour before stocking algae added at the rate of 1 lakh per cells per meters, per meter per ml just before stocking with the noplius of noplius of 1 lakh nopliae per ton okay next is rearing protozoa फर्स्ट टू थर्ड फीड विद कीटोसरास फॉर थ्री डेज ओल्ड कीटोसरास एंड आइसोक्राइसिस एंड प्लेटीमोनास रिकमेंडेड सो थ्री डे ओल्ड जो हमारे कीटोसरास और आइसोक्राइसिस एंड प्लेटिमोनास हैं वो रिकमेंडेड होते हैं हमारे प्रोटोजोया फर्स्ट टू थर्ड को फीड करने के लिए माइक्रो एंड कैप्सुलेटेड प्रोटोजोया फाइव पॉइंट थ्री एंड माइसिस ऑफ फोर्टी टू नाइंटी माइक्रॉन न पोस्ट लारविस नाइंटी टू वन फिफ्टी माइक्रॉन साइज सो दिस इज द माइक्रो एनकेप्सुलेटेड फीड विच इज ऑफ साइज फाइव पॉइंट थ्री टू प्रोटोजोवा फोर्टी टू नाइंटी माइक्रॉन टू माइसिस एंड पोस्ट लारवि को हम देते हैं नाइन टू नाइन्टी टू वन फिफ्टी माइक्रॉन साइज नेक्रोसिस स्टार्ट ऑन दी एंटीना और यूरोपोड यूरोपोड इन प्रोटोजोवा थर्ड एंड प्लोपोर्ट्स इन माइसिस हिपेटोपेनक्रियाज एंड स्टमक बिकेन ग्रेश एंड कॉल्ड अ ग्रे स्टमक डिसीज सो दीज आर द नेक्रोसिस हमारी कब कब होती है एंटीना में सीन करी जाती है जब हमारा और यूरोपोड में होती है जब हमारा प्रोटोजोया थर्ड होता है या और प्लियोपोड में होती है माइसिस में माइसिस स्टेज में हमारी प्लियोपोड में नेक्रोसिस होती है हिपैटोपेनक्रियाज और स्टमक ग्रे हो जाते हैं उसे कहते हैं ग्रे स्टमक डिसीज प्रोटोजोआ मोर प्रोन टू तो नेक्रोसिस प्रोटोजोया स्टेज जो है वो मोर प्रोन है नेक्रोसिस डिसीज को कॉमन फंगस अटैक द श्रिम फ्लार आर लेंग सिरोप्लीडियम एंड हेली पिथोरस एंड माइसिस स्टेज आर मोस्ट वनेबल टू फंगल अटैक्स सो नेक्रोसिस प्रोटोजोवा एंड माइसिस स्टेज जो है वो मोर वनेबल है टू अ फंगल स्ट्रॉक अटैक्स So, thanks for watching, guys. Do subscribe for more such videos and like, share, and comment on my videos.